हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा नया चैप्टर होगा सॉल्यूशन, और इस सॉल्यूशन के आज हम फर्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करेंगे, और इस लेक्चर में हम अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशंस में सबसे पहले हम इसके डिफिनीशन को समझेंगे, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इसका डिफिनीशन हो जाएगा सॉल्यूशन इज होमोजेनियस सॉल्यूशन इज होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और More substances. Solution is a homogeneous mixture of two or more substances in which the relative proportion और कंपोजिशन, जिसको हम बोलते हैं, और कंपोजिशन इससे थ्रू आउट द मिक्सचर। तो ये हमारा सॉल्यूशन का एकदम बेसिक डिफिनेशन ये हुआ कि सॉल्यूशन इज होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस इन विच द रिलेटिव प्रोपर्शन और कंपोजिशन इज सेम थ्रू आउट द मिक्सचर। तो अब देखिए, जैसे इसमें क्या है कि आप पहले से पढ़ रखे होंगे कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर और होमोजीनियस मिक्सचर किसे कहते हैं। उसका आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपको एकदम अच्छे तरह से क्लियर होगा। तो इसमें क्या है कि सॉल्यूशन जो होता है हमारा होमोजीनियस मिक्सचर होता है, और इस होमोजीनियस मिक्सचर में टू या मोर देन टू सब्सटेंसेस हो सकता है। मिनिमम टू होगा, और उससे ज़्यादा टू या टू से जितना ज़्यादा हो सके उसका कोई लिमिट नहीं है। इन बीच जो रिलेटिव प्रोपर्शन और उसका जो रिलेटिव प्रोपर्शन हुआ या फिर कंपोजिशन जिसको हम बोलते हैं, वो हम पूरा सॉल्यूशन में पूरे मिक्सचर में सेम रहेगा, सेम थ्रू आउट द मिक्सचर। तो इसको, ये तो हुआ इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। अब इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल को यहाँ समझाता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में सबसे पहले ये हो जाएगा फ्रेंड्स कि सपोज करते हैं कि एक हमने बीकर ले लिया, और इस बीकर में वाटर रख लिया, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जैसे इस बीकर में वाटर है, और इसमें इस बीकर में ग्लूकोज डाला हुआ है। तो यहाँ पे इसको हम बोल सकते हैं ये हमारा ग्लूकोज का सॉल्यूशन हो गया, ये हमारा ग्लूकोज का सॉल्यूशन हो गया। अब इसे, इसको समझने के लिए सबसे पहले यहाँ मैं इसे थोड़ा बड़ा बना देता हूँ। इसमें हमारा ग्लूकोज डाला हुआ है, ये ग्लूकोज सॉल्यूशन है ये। तो इसमें क्या, हम आपको एक चीज़ समझाना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो सबसे मेन कॉन्सेप्ट है कि इन विच द रिलेटिव प्रोपर्शन और कंपोजिशन इज सेम थ्रू आउट द मिक्सचर। तो रिलेटिव प्रोपर्शन और कंपोजिशन का मतलब कैसे सेम होता है, वो आपको मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट यहाँ पे अच्छी तरह से क्लियर कर देना चाहता हूँ। तो देखिए, जैसे यहाँ पे एक हम इस पार्ट को ले रहे हैं, इस पार्ट का सपोज करते हैं वॉल्यूम वी वन है। तो यहाँ पर हम ये वॉल्यूम वी वन हो गया, और कहीं पे भी हम ले सकते हैं, जो नहीं कि एक साइड में ही ले, कहीं पे भी हम ले सकते हैं। ये वॉल्यूम वी टू हो गया, सच डेट वी वन इज इक्वल टू वी टू वॉल्यूम हो गया। यहाँ तो वॉल्यूम ही होगा क्योंकि बीकर में है। तो फ्रेंड्स, जब यहाँ पर दोनों वी वन इज इक्वल टू वी टू हो गया, तो सपोज करते हैं, और इसमें एक चीज़ और, हम ये सॉल्यूशन है इसका, इट मीन्स डेट द सॉल्यूट गेट्स कम्प्लीटली डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट।
सॉल्वेंट में सॉल्यूट कम्प्लीटली डिजॉल्व हो चुका है। तो जब ऐसा है तो इस वॉल्यूम को हम वी वन ले लिए और इधर सेम वी टू और वी वन इजकल टू वी टू ये हम पहले से ले लिए हैं। तो यहाँ पे हम सपोज करते हैं कि फॉर वी वन लेट एन वन इजकल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर एंड एन वन डैश इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉल्स ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ भी वन वॉल्यूम में हम सब लेट मान रहे हैं, सपोज कर रहे हैं कि एन वन इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर है, केवल इस एन वन वॉल्यूम में ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर एन वन है और एन वन डैश जो है इसी वॉल्यूम भी वन में ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज है। उसके बाद हम वी टू के लिए हम यहाँ लिख सकते हैं कि लेट एन टू इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर एंड एन टू डैश, यहाँ पे ये एन टू डैश हो गया, एन टू डैश है, एन टू डैश इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर जो हो गया ये हमारा एन टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर और एन टू डैश जो हो जाएगा वह हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज। तो यहाँ पे एक चीज़, अगर यहाँ पे वॉल्यूम सेम है और यहाँ पे ये भी हम ले रहे हैं कि एन वन इजकल टू एन वन डैश होगा, ऑब्वियस है क्योंकि सेम वॉल्यूम में लिक्विड अगर सेम है तो सेम वॉल्यूम में सेम नंबर ऑफ लिक्विड का मोल्स होगा एट द गिवन कंडीशन। यहाँ पे अगर कंडीशन लगा हम कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, यहाँ पे एक नॉर्मल कंडीशन हम लगा रहे हैं, तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि एन वन इज इक्वल टू एन टू, तो इसको मैं सबसे ऊपर साइड में लिख रहा हूँ कि एन वन इज इक्वल टू एन टू। तो अब इसमें क्या है कि एन वन इज इक्वल टू एन टू हो गया तो वॉल्यूम सेम है और इस सेम वॉल्यूम में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज भी सेम होगा, कब, जब ये सॉल्यूशन होगा तब। तो सॉल्यूशन का बेसिक कॉन्सेप्ट यही हुआ फ्रेंड्स कि जिसका रिलेटिव प्रोपोर्शन और कंपोजिशन हमेशा सेम रहता है थ्रू आउट द मिक्सचर में। तो यहाँ पे हमारा एन फॉर सॉल्यूशन एन वन डैश इज इक्वल टू एन टू डैश, ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है कि किसी को भी आप सपोज करते हैं इस पार्ट को अगर उठा लीजिए और इसका वॉल्यूम वी थ्री है और ये वी थ्री भी हम सपोज कर रहे हैं कि वी थ्री भी वी वन के इक्वल है तो वी टू के भी इक्वल होगा, ऑब्वियस है। तो अगर ये तीनों इक्वल हो गया तो इसमें भी एन थ्री अगर मोल्स ऑफ वाटर है तो वो तो एन वन और एन टू के इक्वल होगा ही, और एन थ्री डैश अगर मोल्स ऑफ ग्लूकोज हो गया तो एन थ्री भी एन वन डैश और एन टू डैश के भी इक्वल होगा क्योंकि कंपोजिशन को हमेशा सेम रखना थ्रू आउट द मिक्सचर। तो सॉल्यूशन का यही बेसिक कॉन्सेप्ट है। थैंक यू।